नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहाँ पर जो आज मैंने ये प्लान बनाया है ये आज बहुत ही खास प्लान है। यहाँ पर मैंने एक ही प्लॉट पर दो नक्शे बनाए हैं। एक नक्शा हमारा वास्तु के अनुसार बना हुआ है और दूसरा नक्शा हमारा वास्तु दोष में बना हुआ है। इन दोनों नक्शों को बनाने का पर्पज़ ये है कि जिससे आप लोगों को ये पता चल सके, अगर एक ही प्लॉट में नक्शा वास्तु के अनुसार बना हुआ है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं, और उसी प्लॉट में नक्शा वास्तु दोष में बना हुआ है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। देखिए, अगर घर वास्तु के अनुसार बना हुआ है तो ऐसे घर में दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है और घर के सभी लोग सुखी रहते हैं। और अगर इसी प्लॉट में नक्शा वास्तु दोष में बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो ऐसे घर में समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, घर कर्जे में डूब जाता है और घर की औरतें अधिकतर बीमार रहती हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे जो हमारा वास्तु के अनुसार बना हुआ नक्शा है और फिर हम बात करेंगे जो हमारा वास्तु दोष में बना हुआ ये घर का नक्शा है। देखिए, ये हमारा 20x40 उत्तर मुखी घर का वास्तु अनुसार बना हुआ नक्शा है। इसकी तीनों दिशाएं बंद हैं, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। इन तीनों दिशाओं पर मकान बने हुए हैं, केवल उत्तर दिशा ही हमारी खुली हुई है। यहाँ पर हमने ये मेन गेट दिया हुआ है ईशान कोण में। जो हमारा पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है, ये हमारा ईशान कोण होता है। उत्तर मुखी जो भी हमारा प्लॉट होता है, उत्तर दिशा का जो प्लॉट होता है, उसका मेन गेट हमेशा ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो ईशान कोण होता है ये हमारे बृहस्पति देव की का कोना होता है और बृहस्पति देव धन के बहुत बड़े कारक होते हैं। ऐसे घर में धन का आगमन हमेशा बना रहता है और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर हमने ईशान कोण में मेन गेट दिया हुआ है। ये हमारी पार्किंग है, 10x10 की हमने यहाँ पर ये पार्किंग दी हुई है। यहाँ पर हमने बाहर से बाहर क्लॉकवाइज ऊपर के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं। और यहाँ पर हमने ये एक बेडरूम दिया हुआ है 9 फीट बाई 10 फीट का। इसका एक दरवाज़ा हमने यहाँ से दिया हुआ है पार्किंग से, और एक दरवाज़ा हमने दिया हुआ है ये लॉबी से। इसके लिए हमने ये अटैच लेट बाथ दिया हुआ है 6x4 का, और एक लेट बाथ हमने यहाँ पर ये कॉमन दिया हुआ है 6x4 का। और इन दोनों लेट बाथ का जो वेंटिलेशन है, यहाँ पर ये हमारा 3x4 का ये ओपन स्पेस है, इन दोनों का वेंटिलेशन हमने इस ओपन स्पेस में दिया हुआ है। और इस रूम के लिए जो हमने खिड़की दी है, विंडो दी हुई है, जो हमारी ये सीढ़ियों के नीचे जो हमारी ये खाली जगह बचती है, यहाँ पर हमने ये विंडो दी हुई है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। यहाँ पर हमने ये 9 फीट बाई 15 फीट की लॉबी दी हुई है, जिसे हम हॉल भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ये पूजा घर दिया हुआ है जो हमारा ईशान कोण में बना हुआ है, और पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही बनना चाहिए, क्योंकि ये पूजा घर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह होती है। इस बाथरूम के लिए हमने इस लॉबी से ही ये दरवाज़ा दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये बेडरूम बनाया है 11 फीट बाई 11.5 फीट का, और इस बेडरूम के लिए जो हमने दरवाज़ा दिया हुआ है वो लॉबी से दिया हुआ है। और इस बेडरूम के लिए जो हमने वेंटिलेशन दिया हुआ है, खिड़की दी हुई है, वो हमने यहाँ पर ये 7 फीट बाई 3.5 फीट का हमने यहाँ ओपन स्पेस दिया हुआ है, उसमें हमने यहाँ पर ये इस रूम के लिए विंडो दी हुई है। ये हमारी किचन है 7 फीट बाई 8 फीट की, और ये अग्नि कोण में बनी हुई किचन है, और किचन हमेशा अग्नि कोण में ही बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन हमेशा अग्नि कोण में ही होनी चाहिए। इस किचन की जो हमने विंडो दी हुई है, वो हमने यहाँ पर ओपन स्पेस में दी हुई है। और इस किचन का जो दरवाज़ा दिया हुआ है, ये हमने लॉबी से दिया हुआ है, और एक दरवाज़ा हमने यहाँ पर ओपन स्पेस में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो हमारा प्लान बना हुआ है, ये प्रॉपर वास्तु के अनुसार बना हुआ प्लान है। इसमें सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार ही बनाई गई हैं। इस घर की तीनों दिशाएं बंद होने के बावजूद इस घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन दिया हुआ है। अब मान लीजिए इस नक्शे को हम बिल्कुल उल्टा कर दें तो ये घर वास्तु दोष में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमने जो मेन गेट दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पर ईशान कोण में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने जो मेन गेट दिया हुआ है, वो हमने वायव्य कोण में दिया हुआ है, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमने ये सीढ़ियाँ वायव्य कोण में दी हुई थी, यहाँ पर हमने ये सीढ़ियाँ ईशान कोण में दे दी, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर हमने पूजा घर ईशान कोण में दिया हुआ था,
यहाँ पर हमने पूजा घर पश्चिम दिशा में दे दिया, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमने लैट बाथ जो है ये पश्चिम दिशा में दिए हुए थे, यहाँ पर हमने ये पूरब दिशा में दे दिए, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो हमारी ये किचन बनी हुई थी ये अग्नि कोण में बनी हुई थी, यहाँ पर हमने जो किचन दी हुई है वो हमने यहाँ पर ये नैऋत्य कोण में बना दी, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर इस प्लॉट के अंदर ये वाला नक्शा बन जाए, ये वाला नक्शा बना हुआ है, तो परिणाम कुछ और होंगे, और इस प्लॉट के अंदर ये वाला नक्शा बन जाए तो परिणाम कुछ और होंगे। तो इसलिए दोस्तों, घर बनवाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नक्शा हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।